इसके बारे में दीपिका पादुकोण ने कहा, मेरा कैरेक्टर अलीशा प्ले करना बहुत मुश्किल था। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये कैरेक्टर बहुत बोल्ड है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती कि ये कैरेक्टर बोल्ड है। मैं कहना चाहती हूं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, पर मैं नहीं कहना चाहती हूं सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनीवे, मूविंग ऑन टू अनन्या पांडे, जब उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में बात की गई तो आपको पता है उन्होंने इतना हटके जवाब दिया कि वो बाथरूम में पहुंच गई। गहराइया का देखा आपने ट्रेलर, गहराइया का देखा आपने ट्रेलर, अगर इसे देखकर आप कर रहे हो अगर मगर, तो कुछ और सोचने से पहले मेरे दोस्त याद रखो, इट इज ब्रॉट टू यू बाय करण जौहर। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की वाणी एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, कि मेरा नाम है पूजा और एक बार फिर से वापस आ गई हूँ मैं आपके पास बहुत सारा मसाला लेकर, वो सारी बातें लेकर जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। भाई, आपने कुछ और किया हो या ना किया हो, गहराइया का ट्रेलर आपने जरूर देखा होगा। अब उसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं तो ट्रेलर देखना तो बिल्कुल बनता है। वैसे आपको पता है इसके बारे में दीपिका पादुकोण ने कहा, मेरा कैरेक्टर अलीशा प्ले करना बहुत मुश्किल था। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये कैरेक्टर बहुत बोल्ड है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती कि ये कैरेक्टर बोल्ड है। मैं कहना चाहती हूं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, पर मैं नहीं कहना चाहती हूं सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनीवे, मूविंग ऑन टू अनन्या पांडे, जब उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में बात की गई तो आपको पता है उन्होंने इतना हटके जवाब दिया कि वो बाथरूम में पहुंच गई। दीपिका से जब उनके कैरेक्टर अलीशा के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर बोल्ड नहीं है, बहुत रॉ है, बहुत रियल है, और इसे निभाने के लिए मुझे अपने पास्ट में जाके कुछ ऐसी चीजों को याद करना पड़ा जो बहुत दुख देती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे रणबीर कपूर की बात हो रही है? आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना? आई नो। अनन्या पांडे से जब बात हुई उनके कैरेक्टर के बारे में तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब इसका नरेशन दिया गया तो मैंने कहा मैं जरा वॉशरूम होकर आऊं, और फिर पूरे 20 मिनट तक वो वॉशरूम से नहीं निकली। वे शकुन बत्रा और बाकी लोगों को लगा क्या हुआ, कहीं लड़की बेहोश बेहोश तो नहीं हो गई, लेकिन फिर पता चला कि अनन्या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो सोच रही थी कि यार इतनी अच्छी पिक्चर, इतना अच्छा कैरेक्टर मुझे कैसे ऑफर हो सकता है। लो, ये कोई सोचने की बात है? अब भाई करण जौहर प्रोडक्शंस है तो ये पिक्चर तो उन्हें ऑफर होनी ही थी। व्हाट से ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सॉरी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर शकुन बत्रा। आपको याद है शकुन ने जाने तो या जाने ना में एक छोटा सा कैमियो किया था? राइट, शकुन बत्रा ने कम पापड़ नहीं बेले हैं गहराइयां के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि इंटिमेट सीन्स शूट करने में कौन सी बड़ी बात है तो आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हो। भाई, उन्होंने गहराइयां के लिए कुछ ऐसा किया जो आज तक बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया। नहीं, उन्होंने कंगना रनौत को प्रपोज नहीं किया। इस पिक्चर के लिए वो लेकर आए एक इंटिमेसी डायरेक्टर। यस, यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट। गहराइयां के लिए वो लेकर आए एक इंटिमेसी डायरेक्टर जिससे एक्टर्स सेफ और कंफर्टेबल फील कर सके। वो लेकर आए दारगई को, जो खुद एक राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। आपको पता है हॉलीवुड में इंटिमेसी डायरेक्टर एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और फिल्म्स का बहुत अहम हिस्सा भी होता है। अब क्या करें, वहां पे इतने ज्यादा इंटिमेट सीन्स जो होते हैं। करण को भी काफी जौहर दिखाने पड़े इसका टाइटल सोचने के लिए। उनका कहना था कि ये काफी मुश्किल पिक्चर है और इसलिए हमें इसका टाइटल सोचने में इतनी दिक्कत हुई। मैं जब भी कोई टाइटल सजेस्ट करता था, पूरी टीम उस टाइटल को थम्स डाउन कर देती थी। लो कि यार, किसे पूछ लेते यार, एक सेकंड में टाइटल निकाल देते। नहीं, गहराइया को डायरेक्ट किया है शकुन बत्रा ने, प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शंस, वायाकॉम 18 स्टूडियोज एंड शकुन बत्रा के याउस्का फिल्म्स ने। इसमें दीपिका और अनन्या के साथ हमें नजर आएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी। बंटी और बबली के बाद थैंक गॉड एक अच्छी पिक्चर तो आ रही है उनकी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, साथ में होंगे धैर्य कर्मा, नसीरुद्दीन शाह साहब एंड रजत कपूर भी। भाई, इस पिक्चर का होगा वर्ल्ड प्रीमियर इन 240 कंट्रीज। जी हाँ भाई, वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है ये अमेज़न प्राइम पे 11 फरवरी को।
वैसे बधाई देनी पड़ेगी और साथ ही देनी पड़ेगी हिम्मत की दाद वही उस पिक्चर को जो इस टाइम पे सिनेमा हॉल्स में रिलीज की जा रही है। आपको नहीं पता, बधाई दो, नहीं मुझे बधाई मत दो, बधाई दो है उस पिक्चर का नाम जो रिलीज होने वाली है 11 फरवरी को सिनेमा हॉल्स में। और देखो कहां राजामौली साहब ने RRR को पोस्टपोन कर दिया। खैर, कमिंग बैक टू बधाई दो, सबसे पहले बधाई हमको क्योंकि इसमें आयुष्मान खुराना नहीं है। अरे यार, ये पिक्चर टारगेट करती है LGBTQ कम्युनिटी को और ऐसी फिल्म्स में आयुष्मान अक्सर पाए जाते हैं। नहीं, वैसे इसके सो कॉल्ड प्रीक्वल बधाई हो में आयुष्मान खुराना थे। वैसे इन दोनों फिल्मों में उनके राइटर्स और प्रोडक्शन हाउस के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि बधाई हो बधाई दो का सीक्वल है, सॉरी बधाई दो बधाई हो का सीक्वल है। सही बोला ना मैंने? ट्रेलर आपने जरूर देखा होगा और बिल्कुल समझ गए होंगे कि इस पिक्चर में राजकुमार का इंटरेस्ट है लड़कों में और भूमि का इंटरेस्ट है लड़कियों में। भाई दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उनकी फैमिलीज की तरफ से शादी करने का, इसलिए राजकुमार भूमि को शादी के लिए मना लेते हैं। इस पिक्चर में राजकुमार है एक पुलिस इंस्पेक्टर और भूमि बनी है एक PT टीचर। भाई दोनों की शादी हो जाती है लेकिन फैल जाता है रायता जब भूमि की गर्लफ्रेंड चुमदरांग आ जाती है उनके साथ रहने के लिए और साथ ही साथ दोनों की फैमिलीज कहती कि भाई बच्चा कब लाओगे। Oh, no. ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन सोचने की बात यह है कि सिनेमा हॉल्स में इसे देखने के लिए लोग कितने आएंगे। इसे डायरेक्ट किया है हर्षवर्धन कुलकर्णी ने जो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं हंटर, जिसमें हमें नजर आए थे गुलशन देवैया इन अ वेरी डिफरेंट अवतार। याद आया? यस। इसको लिखा है अक्षत गिलदयाल और सुमन अधिकारी ने जो इससे पहले बधाई हो लिख चुके हैं। इसे प्रोड्यूस किया है जंगली फिल्म्स ने और इसमें राजकुमार और भूमि के साथ साथ नजर आएंगे चुमदरांग, नेहा धूपिया, शीबा चड्डा और अंकुर राठी। वैसे जहां तक नजर आने की बात है, राखी सावंत और उनके पति परमेश्वर रितेश नजर आ रहे हैं बिग बॉस हाउस के बाहर। जो यार, राखी एलिमिनेट हो गई है बिग बॉस 15 से और आपको पता है जब राखी से ये पूछा गया कि उन्होंने बिग बॉस हाउस में आकर ही सबको अपने पति के बारे में क्यों बताया, तो जानते हैं राखी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में जब मैंने सबसे कहा कि मेरी शादी हो गई है, किसी ने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। अब क्या करें, राखी सावंत है, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, राखी ने फिर बताया कि मैंने रितेश को बताया कि यार कोई हमारी शादी को सच मान ही नहीं रहा है। रितेश ने कहा कि मैं इंडिया आ जाता हूँ, हम रिसेप्शन कर लेंगे और फिर हर कोई हमारी शादी की बात को सच मान लेगा। लेकिन फिर उनको ऑफर आ गया बिग बॉस हाउस से, जिसको वो ना नहीं कहना चाहती थी, एंड उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ जाकर सबको रितेश के बारे में बताऊंगी और सब सच मान लेंगे क्योंकि हर कोई बिग बॉस देखता है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल सच मान लिया और हम बिल्कुल ये मान रहे हैं कि राखी ये सब TRP के लिए नहीं कर रही हैं। हम बिल्कुल ये मान रहे हैं कि ये शादी नकली नहीं है, उनकी पिछली शादी की तरह जो हुई थी इन राखी का स्वयंवर। नहीं, टॉकिंग ऑफ बिग बॉस 15, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने पब्लिक को पब्लिकली थैंक यू कहा है। पब्लिक को पब्लिकली थैंक यू, नेवर माइंड। भाई उन्होंने थैंक यू कहा है उन्हें झेलने के लिए, सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनकी लाइव लाइन्स बंद हो रही हैं और विनर बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे थैंक यू कहना बिल्कुल बनता है, मतलब एक वाहिया शो जो कब से चला आ रहा है, हर कोई उसकी बातें कर रहा है, मैं आपको उसकी अपडेट्स दे रही हूँ, थैंक यू कहना बिल्कुल बनता है। वैसे एक चीज है जो आपने करनी है, आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी एंड लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एक और बात, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फूड चैलेंजेस, फिल्मों की बातें और बहुत सारी दूसरी बातें। आपको मुझे ये बताना है कि आपको क्या ज्यादा पसंद आता है, मेरे फूड चैलेंजेस या फिर दूसरी बातें। माय नेम इज पूजा, यू आर वॉचिंग माय चैनल पूजा की वाणी एंड यू नो व्हाट, मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी दोबारा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।